भारतीय जनता पार्टी अपनी बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी का डर साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी डरी हुई है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से हिरासत में लिया गैर कानूनी तरीके से, आज पूरे देश के लिए ये काला दिन है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जब ट्रंप जी भारत में आते हैं तब तो दोस्ती का पैगाम उन्हें लगता है, तब उनसे दोस्ती बढ़ाने की बात करते हैं, तब उन्हें लगता है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते जो हैं मजबूत होते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे एक संदेश देने का प्रयास हुआ। वही जब ट्रंप की धर्मपत्री दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सराहना करती है, प्रशंसा करती है, वही मनीष सिसोदिया जी आज उन्हें, मुझे लगता है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जी उन्हें आज घोटाले में लिप्त तो नज़र आ रहे हैं, बल्कि पूरी विश्व को उन्होंने शिक्षा की एक नई पहचान दी। और जबकि चार्जशीट में नाम नहीं है, सहयोग पूरा मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का डर सामने नज़र आ रहा है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी ने एक आक्रोश व्यक्त किया है, पूरे देश को ये बता दिया कि संविधान और कानून नाम की जो धज्जियाँ हैं वो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। इनके जो मित्र हैं, अंडानी जैसे मित्र, अंबानी जैसे मित्र, जो धनी से धनी होते जा रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, उन पर कार्रवाई करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने का। आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही ये स्पष्ट किया कि जो चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में होने वाले, आम आदमी पार्टी उस पर पूरे जोर शोर से वो चुनाव लड़ेगी। इसी से भारतीय जनता पार्टी का डर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज किसी से डरी हुई है तो आम आदमी पार्टी से डरी हुई। हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को जो इन्होंने हिरासत में लिया, अभी और भी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता होंगे जिन पर फर्जी तरीके से, फेक तरीके से उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई राजनीतिक दल है, आंदोलन हम करें। प्रधानमंत्री को टक्कर 24 नहीं बल्कि आज ही विधानसभा चुनाव में राज्यों में टक्कर दे रहे हैं, इसलिए तो आम आदमी पार्टी से बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी की साफ नज़र आ रही है और डर वो सामने नज़र आ रहा है। जब आपके पास कोई आधार नहीं है, जो तथ्य नहीं है, फिर भी आप उन्हें फर्जी तरीके से उन्हें हिरासत में लिया, सामने नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी का डर है। कानून संविधान नाम की आज देश के अंदर कोई चीज़ नहीं।